सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। वक्त बदलते देर नहीं लगती, इसलिए कभी हद से ज्यादा फूलो मत और अपनों को कभी भूलो मत। दौलत से दोस्त बने वो दोस्त नहीं, पर सच कहूँ तो दोस्त जैसी कोई दौलत नहीं। जल्दी गुस्सा करना मूर्खता साबित करता है। जहाँ लगे कि हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ हो रही है वहाँ से हट जाना ही बेहतर है। आज का पंचांग 6 सितंबर 2022 दिन मंगलवार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रात्रि 3:05 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्वाषाढ़ा नामक नक्षत्र शाम 6:09 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तराषाढ़ा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:30 से 5:03 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:00 से 12:49 तक रहेगा। आज चंद्रमा धनु राशि पर रात्रि 11:38 तक रहेगी। इसके उपरांत मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगे। वृषभ राशि 6 सितंबर 2022 दिन मंगलवार। दिन की शुरुआत अच्छी खबर से होगी। आप काफी समय से जिस योजना पर काम कर रही थी वह आज फलीभूत होगी। सहकर्मियों के साथ कहीं बाहर जा सकती हैं, आपको अच्छा लगेगा। आज विश संबंधित कोई फैसला लेंगे जो भविष्य में लाभकारी साबित होगा। आज किसी तीर्थ की यात्रा भी कर सकती हैं। ग्रहों की चाल से जानकारी मिल रही है कि आज के दिन व्यापारिक कार्यों में तेजी की स्थिति को दर्शाने वाला रहेगा। आज मित्रों और साझेदारों के साथ आपके अच्छा खासा तालमेल बना रहेगा। बेहतर तालमेल के साथ काम करने से कारोबार में आप अच्छा लाभ कमा सकती हैं। अगर आपका किसी के साथ कोई विवाद चल रहा है तो आज आपके पक्ष में फैसला हो सकता है। साथ ही आज आप अपने विरोधियों पर भी हावी रहेंगी। महिलाओं, मित्रों और सहकर्मियों से आपको सहयोग मिलेगा। कपड़े फैशन कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को आज कमाई का बेहतरीन मौका मिलेगा। यात्रा की प्लानिंग भी आज बन सकती है। पारिवारिक जीवन में आज प्रेम और तालमेल काफी अच्छा रहेगा। सभी एक दूसरे को सहयोग करेंगे। जीवन साथी के साथ रोमांचक पलों का आनंद लेंगे। रुचिकर भोजन का भी आज आयोजन हो सकता है। किसी पुराने मित्र और परिचित से संपर्क होगा। आज की गई यात्राएं आपके लिए लाभकारी रहेगी। सावधानियां, दिन मिला जुला रह सकता है। आज आपको बेवजह के खर्च करने से बचना होगा। आपके आपस में यदि कोई वाद विवाद चल रहा है तो उसमें भी चुप रहना बेहतर होगा। आपका कोई मित्र लंबे समय बाद आपसे मुलाकात करेगा। बात करते हैं लव लाइफ की। आपके पार्टनर के साथ छोटी मोटी कहासुनी हो सकती है। हालांकि ऐसा होना मुश्किल है, लेकिन विवाद में पड़ने या चिढ़ने वाले जवाब देने से बचें। आज छोटे मुद्दे भी बेवजह बड़े बन सकते हैं। टकराव की स्थिति न आने दें। आपको अपने बच्चों पर विशेष ध्यान देने और उनके साथ बहुत अच्छा समय बिताने की जरूरत है। आज रोमांटिक ट्रिप पर जाने की बजाय पारिवारिक पिकनिक पर जाना बेहतर रहेगा। बात करते हैं करियर की। नए और अलग अलग कार्य करने के अवसर आज आपके रास्ते में आएंगे। आज नए ग्राहक और विभिन्न परियोजनाएं आपके पास आ सकती है और कुछ में तो इतनी संभावना होगी कि वो आपकी सपनों की या महत्वपूर्ण परियोजना बन सकती है। इस अवसर का फायदा उठाने के लिए आपको आज अतिरिक्त मेहनत करनी होगी और आप इसे करते हुए आनंद को महसूस करेंगे। बात करते हैं सेहत की। हर रोज की एक्सरसाइज और सलाद खा कर आप परेशान हो चुके हैं। आप अपना पसंदीदा खाना खाकर खुद को संतुष्ट कर सकती हैं। या देखना ना भूले कि अगली सुबह आपको कैसा अनुभव होगा। इसका कड़वा अनुभव आपको अगली बार तैली खाना खाने के लालच से बचने में काफी मदद करेगा। आपको अपने शारीरिक एक्सरसाइज को बहुत सारे लोगों के सामने प्रस्तुत करने का मौका भी मिल सकता है। आज आपको ठंडी चीजों के सेवन से भी परहेज रखना चाहिए। सावधानियां, आज आप गणेश भगवान जी को नारियल चढ़ाएं, शुभ रहेगा।
जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।